सलाम वालेकुम बेटा असिल, आपका इंटरव्यू कैसे रहा? वालेकुम अस्सलाम अब्बू, बहुत अच्छा था इंटरव्यू और इनफैक्ट मैं पास भी हो गया हूँ, खुशी हुई जान के बहुत। अच्छा बेटा, आपके हाथ में जो पर्ची हो बताएंगे? जी अब्बू, जरूर देखिए। शुक्रिया बेटा। क्या बेटा, आप जॉब के लिए पैसा दोगे? बेटा मेरी बात मानिए, इसके लिए पैसे हमें देने की जरूरत नहीं है, ये फ्रॉड जॉब होता है। बट अब्बू, मैंने इतनी मेहनत किया, मैं इतना लंबा गया था, अभी क्या करूँ अब्बू? दे दीजिए ना प्लीज अब्बू, मेरा एक दोस्त है वो भी मतलब दे रहा है, प्लीज अब्बू आप हर टाइम ऐसे ही कर दीजिए, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। मेरा एक दोस्त आ रहा है, उसी से बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अपने दोस्त को बुला लीजिए। अस्सलाम वालेकुम असिल भाई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम इरशाद भाई। भाई आप आ गए, बहुत खुशी होगी जान के। लेकिन भाई आप सुनिए ना, खाली आपको को बता दीजिए ना यार कि मतलब इंटरव्यू का मतलब 2000 रुपये मांग रहे, आप भी तो कल गए थे भाई, क्या हो गया प्लीज बता दीजिए ना आपको। आपको 2000 रुपये देने से मना कर रहे, बोलते फ्रॉड होता है ऐसे सब। यार इरशाद भाई क्या हो गया, तुम तो भाई मेयर से भी और अब्बू से भी नजर ही नहीं मिला रहे हो। एक्चुअली मैं असल अपनी नजर झुकाने रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि तू अपनी बात अब्बा अब्बू की बात नहीं मान रहा है। एक्चुअली मैंने भी सेम यही गलती किया असल, मैंने भी ऐसे किया था अब्बू से, जिद मना मना कि अब्बू ने पैसे नहीं दिया तो अपने दोस्तों से जाके पैसे मांगा। और आज जब मैं उधर गया तो असल मैंने देखा उन लोग ने पैसे लिया, और आज 2 से 3 दिन हो चुके हैं असल, जो आपका तो नामो निशान है, स्कैम जॉब है वो। तो वहां से मैं अब जा रहा हूँ, मेरे दोस्तों को बोला तो उधर से असल वो यूनिवर्सिटी असल चले गई है। अंकल सही कह रहे हैं। क्या सचमुच? अरे भाई इसके चलते मैंने अब्बू को काफी बुरा भला कह दिया था, सॉरी अब्बू मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। एक्चुअली मैं उसमें फंस गया था, बहुत टाइम हो गया जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू कर रहा हूं जॉब भी नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैंने ऐसी बात की आपसे, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं कही थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। कोई नहीं बेटे, गलती अक्सर बच्चों से होती है, हमारा काम है उनको दुरुस्त करना, आपसे भी गलती हुई कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखिए सब अच्छा होगा। सचमुच अब्बू शुक्रिया अब्बू, का वादा करता हूँ मैं अभी इंशाल्लाह ईमानदारी की जॉब करूंगा और अच्छे में अच्छे रोजी कमाऊंगा आपके और हमारे घर के लिए इंशाल्लाह, मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए। सो गाइस, आपको अगर ये फाइनली मेरी पूरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह इसी पे और अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेंगे। वीडियो का पार्ट जो आपको बेस्ट लगे उस पर कमेंट कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा वीडियो में पार्ट उसमें बताइए, कैसी एक्टिंग थी, क्या सुधारना चाहिए, क्या है क्या, और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज मेरे को कमेंट में दीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो फ्रॉड जो जॉब्स जो अभी चल रही है लॉकडाउन की वजह से, हो सकता है कि बहुत से लोगों को जॉब नहीं मिल रहा होगा तो पैसे देखने वो लोग फंस रहे, बट ये स्कैम जॉब होता है तो प्लीज इसमें फंसिएगा नहीं, ख्याल रखिए आपका। और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट चैनल अच्छे कंटेंट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।